एवरीवन, तो आज है ट्यूसडे और ट्यूसडे के दोपहर के 12:30 बज रहे हैं। अनिका थोड़ा ठीक थी पर उसे हो गया है ज़ुकाम, और ज़ुकाम का कोई भी दवाई जो है मैंने डॉक्टर से नहीं लिखवाया है, तो बस उसे मतलब मैं डॉक्टर के पास ही लेकर जा रही हूँ। और ज़ुकाम से उसकी आँखें भी थोड़ी सी लाल लाल हो गई है, चेहरा भी उतर गया है, आप देख ही सकते हैं। तो ऐसा नहीं है कि ज़ुकाम की दवाई हमें पता नहीं है अनिका के लिए है, पर अभी जब उसकी बाकी की दवाइयाँ चल रही है तो क्या हम उन दवाइयों के साथ ज़ुकाम की दवाई दे सकते हैं ये नहीं पता है। तो इन सारी चीज़ों के लिए डेफिनेटली डॉक्टर से ही हमें बात करनी पड़ेगी। वैसे डॉक्टर ने 2 दिन बाद बुलाया था पर हमने आज का ही अपॉइंटमेंट ले लिया है। कैसा लग रहा है बाबू, बताओ सबको, बताओ ठीक लग रहा है? शी सो ब्रेव, लाइक ऐसे नहीं बोलते कि मैं ठीक नहीं हूँ, ये नहीं हूँ, बेचारी मतलब अच्छा नहीं लग रहा है। बच्चे जल्दी से ठीक हो जाए ना, यही मैं चाहती हूँ। बच्चे बीमारी क्यों पड़ते यही नहीं समझ में आता है, नहीं पढ़ने चाहिए। माँ बाप के लिए बहुत वो हो जाता है कि बीमार बच्चों को मतलब देखना ही बहुत मुश्किल हो जाता है। देखिए बच्चे ठीक तो हो जाते हैं, उसमें कोई बड़ी बात नहीं है, पर जितने दिन बच्चे परेशान रहते हैं ना, माँ बाप उससे भी ज़्यादा परेशान हो जाते हैं अपने परेशान बच्चे को देखकर, है ना। तो सामने की इस चौड़ी सी सीट पर हम दोनों अच्छे से फिट हो गए हैं, है ना। और बाय द वे जब आप इस ब्लॉग को देखोगे उस दिन होगा 22 अगस्त, आज तो है 20, तो आप देखोगे 22 को, तो उस दिन ऑफिशियली अनिका का बर्थडे हो गया है ना। सो बस भर दीजिए कमेंट बॉक्स बहुत सारे बर्थडे विशेष थे, है ना बेटा। सो अनिका रीड करेगी आपके सबके बर्थडे विशेष, है ना बेटा, करोगी ना। हालत बेचारे की एकदम हल्की सी हो गई है, कहाँ मस्ती करती थी, कहाँ मुँह बनाती थी, है ना। जल्दी से ठीक हो जाओ। सो हमारी बिटिया रानी का परसों बर्थडे है, हम लोग यही चाहेंगे कि जल्द से जल्द वो ठीक हो जाए और अपने बर्थडे को एंजॉय कर पाए, है ना राज। तो हम लोगों का एक्चुअली प्लान था कि हम लोग अनिका के बर्थडे में लीगोलैंड मतलब जो कि है दुबई वहाँ पर जाएंगे, और उसी के लिए हम लोगों ने थोड़ी सी मतलब भागातानी भी की कि भागे और अपना पासपोर्ट फटाफट मतलब मेरा अनिका का आगे गया, तुम्हारा नहीं है। हाँ मेरा नहीं है, पर बोलते ना जो होता है अच्छे के लिए होता है। वही आजकल बोल रहे थे कि हो सकता है अनिका बीमार पड़ने वाली थी, और अगर हम लोग वहाँ पर जाते वहाँ पर बीमार पड़ जाती तो कहीं ना कहीं मतलब हम लोग को समझ में ही नहीं आता कि कैसे करे क्या करे, क्योंकि सब कुछ नया है, कहाँ दिखाए क्या करे, ये ऐसा हो सकता था। तो चलिए कोई बात नहीं, हम लोग यही से अच्छे से तुम्हारा बनाएंगे, है ना। और हाँ तो प्लान तो है, अनिका को हम लोगों ने बोला है कि लेकर जाएंगे, तो जैसे ही सब माहौल अच्छा हो जाएगा तो पक्का हम लोग लीगोलैंड मतलब दुबई हमारा पासपोर्ट आ गया तो आ जाएगा। हाँ मेरे पासपोर्ट ने एक्चुअली बहुत परेशान कर दिया है, वेरिफिकेशन वगैरह हो गया पर अभी भी वो वेरिफिकेशन ही नहीं हुआ। नहीं नहीं वैसा वाला हो गया जो घर पर आकर, घर पे आके गया लेकिन उसने भेजा नहीं ना। हाँ वहाँ से नहीं तो क्या करना है, तो वो सारी परेशानी पासपोर्ट ऑफिस ने फटफट काम कर दिया, पुलिस अपना काम ही नहीं करती है बराबर से। तो बस अभी जब आ जाएगा तो जब जाएंगे तो आपको सारी चीजें पता चलेंगी, है ना, आपसे कौन सी चीजें छुपने वाली है हमारी, बराबर काम करना चाहिए। हाँ ये बात तो है, मतलब अपनी तरफ क्या ये पकड़ के रखे वो लोग अभी तक पता नहीं, और कोई मतलब रीज़न नहीं है, ऐसे ही रख दिया है, अप्रूव ही नहीं करे। और अनिका का अप्रूव भी हो गया, सब हो गया, पर मेरा ही पता नहीं क्या। अनिका का तो 2 ही दिन में आ गया था, इसका तो तत्काल में था, तत्काल में तो मेरा भी था पर अभी ठीक है। हमारा है नहीं तत्काल में, क्या था तत्काल में, उसने बोला नहीं लेके तुमको भगा दिया। मुझे पता है मेरा फटफट हो गया था पिछली बार भी रिन्यू,
चलो अभी सबकी किस्मत एक जैसी नहीं होती है ना, तो अभी क्या कर सकते हैं। इंग्लैंड जाने के चक्कर में हो सकता है इसकी तबीयत ना खराब होती, मुझे नहीं पता क्या है क्या नहीं पता, हो सकता था कुछ भी हो सकता था। चलो अभी क्या करना, अब आएगा तो नेक्स्ट मंथ जाएंगे, आएगा ही 10-15 दिन में। चलो फिर मिलती हूँ, रखेंगे है कि नहीं। चलिए डॉक्टर के पास जाती हूँ, मिलती हूँ उनसे, बताती हूँ अनिका की सर्दी जुकाम के लिए दवाई लिखवा कर लाती हूँ, बाकी सारी अपडेट तो आपको मिली रही है। तो डॉक्टर ने दवाई लिख दी है अनिका को। हाँ एलेरिड अपने पास है ना, अभी की हो गई, आपने अभी तो अपडेट की थी अपनी दवाइयाँ, कौन सी जो हम लोग हमेशा एलेरिड लेते हैं वही वाली, ठीक है सिर अपना नहीं, वो तो मैं पहचानती हूँ, ठीक है मैं लेकर आती हूँ, ठीक है पैसे ले लूँ मैं बिना पैसे के, एक्चुअली जा रही थी क्योंकि ऑफिस जा रही थी मैं। तो डॉक्टर ने यही एलरीड जो मैं बोल रही हूँ यही दवाई लिख कर दी है, यही हम उसे नॉर्मली सर्दी जुकाम होता है तो भी देते हैं। और बस अभी ऑफिस जा रही हूँ, मुझे कुछ जो एडिटिंग है उसे फाइनल करना है, वो एडिट हो रखा है, बस मैं एक बार फाइनलाइज कर दूँ तो बाकी की आगे की जो प्रोसेस होती है वो चालू हो जाएगी। तो अनिका को अभी मैंने खाना खाने से पहले वाली जो एक दवाई है उल्टी की वॉमिट की वो दे दी है, यहाँ के लाइट पंखे कैसे चालू हो गया, हम सब उधर बैठे थे तो यहाँ का कैसे चालू हो गया पता नहीं। तो अनिका को वो दवाई देकर जा रही हूँ जिससे मैं जब तक आऊँगी तब तक आधा घंटा हो जाएगा, फिर हम लंच कर पाएंगे क्योंकि वो जो दवाई है वॉमिट की वो लंच से या खाना खाने से आधा घंटा पहले दे दी है। और आज मेरे ना टीम मेंबर में से एक का बर्थडे भी था जिसे हम लोग हर साल सेलिब्रेट करते हैं, सो हैप्पी बर्थडे पूजा, अपने लिए एडिटिंग करते समय यहाँ पर वो लगा लेना क्योंकि मेरी जो डेली व्लॉग्स की एडिटिंग होती है वो पूजा करती है जो कि मेरे साथ लास्ट 3 साल से काम कर रही है, बहुत ही ऑनेस्ट है, बहुत ही मतलब स्वीट सी है, सिंपल सी है, जैसा मैं बोलूँ वैसा सुनती है, कभी मतलब कोई कंप्लेन नहीं, कभी कुछ नहीं, अच्छा लगता है कि ऐसे आपके पास टीम मेंबर है। तो हैप्पी बर्थडे पूजा, एंड पूजा का बर्थडे मनाएंगे जैसे ही अनिका ठीक हो जाएगी, इस समय पूरा ध्यान अनिका पर है। तो मैंने इस ईयर मतलब उसका बर्थडे सेलिब्रेट नहीं किया, नहीं तो हम लोग अपनी तरीके से ऑफिस में हमारे जो टीम मेंबर्स हैं उनका बर्थडे सेलिब्रेट करते हैं। तो थोड़ा सा वो भी फील होता है कि अरे यार 3 साल से इतना अच्छे से मतलब जैसा हमको हो पाता है वैसा करते, पर इस साल वो भी नहीं है। बट मेरे जो टीम मेंबर्स हैं इतने ज़्यादा अंडरस्टैंडिंग है कि काफ़ी मतलब बहुत ज़्यादा, तो कोई नहीं करेंगे है ना। तो चलिए ऑफिस चलते हैं और साथ ही साथ दवाई भी ले लेते हैं। अनिका का बिल्कुल मन नहीं है कि वो दाल चावल खाए, और नमकीन चीज़ें पता ना थोड़ी सी कड़वी लगती है, तो राज ने दूध ब्रेड बनाया है अनिका के लिए, मीठा ठीक हो जाएगा बेबी, हो जाएगा आ जाता है खांसी आ जाए। मलाई का है तो ब्रेड और दूध है बेटा, मलाई के एक बूंद भी नहीं लाया, थोड़ा थोड़ा खाओ, सॉफ्ट हो गया ना ब्रेड, पापा ने वो एकदम हलवा जैसे बना, वो तुमको इसलिए मलाई लग रहा है क्योंकि ब्रेड दूध है, उल्टी की दवाई दी है, उल्टी तो होगा ही नहीं तुमको, नहीं होगा टेंशन मत लो, उल्टी का दवाई इसलिए तो आधा घंटा पहले दिया ना,
अपने हाथ से खाओ जितना अच्छा लगे, थोड़ा थोड़ा खाओ। नहीं अच्छा लग रहा है तो वो कुछ और बनाएंगे। सो पूरा दिन तो अनिका के ही साथ गया है क्योंकि उसे ज़्यादा ज़रूरत है मेरी इस समय। अभी भी हल्का फीवर है, उसे मैंने अभी ही पैरासीटामोल दिया है और सोकर भी उठी है अनिका, अभी 5:45 बज रहे पर उठी है फीवर के साथ, हल्का फीवर है। उसे जूस दिया है मैंने पीने के लिए, अभी पिएगी। 2 बज रही है, देखती कौन आया। तो बना रही हूँ उत्तपम विथ सम ट्विस्ट, अनिका को पसंद है जो ऑर्गेनो होता है ना उसे डाल दो, अनिका बड़ा पसंद करती है। और फिर उसे पता है क्या बोलती है, डोसा पिज्ज़ा। दिखाती हूँ मैं। पानी चाहिए और है इसमें, है अभी ख़त्म नहीं हुआ है, खुल नहीं रहा। अच्छा, सो अनिका की पूरी सेवा की जा रही है यहाँ पर, सेवा हो रही है क्योंकि ज़रूरी है, जल्दी ठीक करना है हमारी बिटिया रानी को हमें। सो अनिका एंजॉय कर रही है पिज़्ज़ा वाला डोसा और इतनी सारी चीज़ें मैंने उसे दी है कि बेटा तुझे जो खाना है खा, बस जल्दी से ठीक हो जा। और एनर्जी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है इस समय, कुछ खाने का मन नहीं होता बच्चों का, तो जो उसे पसंद है वो मैं दे रही हूँ क्योंकि मैं चाहती हूँ कि वो जो भी खाए मतलब खाकर ठीक हो जाए। तो कुछ फ्रूट जूसेस, शेक्स, रोज़ वाला दूध अनिका को पसंद है, गुलाब जामुन पसंद है, फेरेरो रोशर तो रखा है उसने, खाया नहीं वैसे, बच्चों का भी मन नहीं होता है खाने का। तो आई जस्ट वांट ना कि जो उसे पसंद है वो खाए और जल्दी से ठीक हो जाए, है ना बेबी। जल्दी से जल्दी सारा ख़त्म कर लो। और क्या क्या चाहिए बताओ, मैं यहाँ पर सब रखूँगी सिर्फ जंक फूड छोड़कर, क्योंकि जंक फूड डेफिनेटली अच्छा नहीं है इस समय उसके लिए। और अनिका को चाहिए फ्रेंच फ्राइज घर की बनी हुई, तो बस उसी के लिए मैं अभी फ्रेंच फ्राइज बनाने जा रही हूँ। आलू कट गए हैं और घर की फ्रेंच फ्राइज तो अच्छी होती है। क्या चाहिए बाबू, खाओ। खाना बनाने का बिल्कुल मन नहीं है क्योंकि अनिका की तबीयत ठीक नहीं है ना, तो किसी भी चीज़ में मन नहीं लग रहा है। आपको पता है लास्ट 2 डेज से मैंने कोई भी वीडियो शूट नहीं किया है इस ब्लॉग के अलावा। इस ब्लॉग को भी आपको पता है कि मैं चलती फिरते शूट कर लेती हूँ, थोड़ा 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 शूट करके ये पूरा एक 20 से 25 मिनट का वीडियो बनता है, मतलब पूरे दिन की एक्टिविटी दिखा दिखा कर ये 20 से 25 मिनट का बनता है, वरना मैं ये भी नहीं कर पाती। मतलब अगर ये इतना आसान नहीं होता तो मैं ये भी नहीं कर पाती, क्योंकि सच ही में यार बच्चा की तबीयत ठीक नहीं है ना, कुछ भी अच्छा नहीं लगता, कुछ भी नहीं। मैं ट्राई कर रही हूँ उसके सामने अच्छा रहने की, अच्छा मतलब उसको फूड देकर खुश रखने की और थोड़ा सा उसे डाइवर्ट करने के लिए पूरा टाइम अपना मैं उसके साथ स्पेंड कर रही हूँ, बट ये सारी चीज़ें काम नहीं आ रही है। और अगेन राज भी बहुत ज़्यादा परेशान हो रहे हैं, राज अभी फिर से एक बार मतलब सारी दवाइयाँ गूगल करके देख रहे हैं, मतलब डेफिनेटली डॉक्टर ने लिखी है, अच्छी लिखी है, पर उसे शाम को 5:30 बजे भी फीवर आया था जो कि 100 था, और पानी की मशीन ने मिली, और इस समय भी उसे अगेन 100 फीवर आया है, अभी 9 बज रहे और मैंने अभी तक अपना डिनर नहीं बनाया है क्योंकि ना मुझे और ना राज को उसे छोड़ने का मन कर रहा है, मतलब ऐसे कुछ हालात है।
और इसी हालत में आज मेरी जो हाउस हेल्पर है 12 आवर्स वाली 12 आवर्स वाली वो भी नहीं आई, उसने भी मतलब आज ही छुट्टी ली। मैंने उसको बोला भी कि यार आज तो आज मतलब ज़रूरत है, और जब से उसे काम पर रखा है ना हर हफ्ते की वो दो छुट्टियाँ ले रही है, मतलब हर हफ्ते दो। बाकी काम करने में अच्छी है, सुनती है, सिंपल है, पर दो छुट्टियाँ यार किसी समझ में आती है, मतलब बहुत ज़्यादा है दो छुट्टियाँ। तो कल मैंने उसे बोला है कि मैं एक हफ्ता और देखूँगी वरना मैं कंटिन्यू नहीं कर पाऊँगी, क्योंकि नहीं अच्छा लगता यार। मतलब मुसीबत में भी अगर हाउस हेल्पर आपके मदद में ना आए तो फिर क्या मतलब है, मतलब रखने का कोई सेंस नहीं बनता है, मुझे ऐसे लगता है। तो इस समय मैंने अनिका को पूछा कि वो डिनर में क्या खाना चाहती है, तो उसने अगेन वही इडली के डोसे का बैटर का वही पिज़्ज़ा वाला जैसे मैंने अभी बनाया, उसको वो बहुत पसंद आया। वो बोली मम्मी मैं वो और खाऊंगी और दूध पीऊंगी। मैंने बोला ठीक है, चलो जो भी खा रही है मेरे लिए काफ़ी है, क्योंकि तबीयत जब ठीक नहीं होती है स्पेशली बच्चे के वो खा नहीं पाते हैं, क्योंकि मुँह का जो स्वाद है वो बदलता है, चीज़ें कड़वी लगने लगती है, ये आप भी जानते होंगे। हम लोग बड़े लोग तो मैनेज कर लेते हैं पर बच्चों का क्या। तो बस उसके लिए यही डोसा बना दिया, और बैटर काफ़ी ज़्यादा है, मतलब थोड़ा नहीं है काफ़ी ज़्यादा बैटर है। तो राज ने बोला कि यही सबके लिए बना दो, हम लोग सब भी यही खाएंगे। तो शाम की चाय में भी वही खाया और अभी भी वही खाने जा रहे हैं, क्योंकि मन ही नहीं है कुकिंग करने का। कल मैंने उसकी ही खुशी के लिए पनीर की सब्ज़ी बनाई कि अनिका खाएगी, और अनिका ने इतू सी खाया, और सब्ज़ी बनी तो बहुत अच्छी थी पर उसने बहुत कम खाया। और दोपहर में भी आपने देखा ना, वो खाने के बिल्कुल मन मूड में नहीं थी, तो उसको दूध और ब्रेड भी गोकर खिलाया, क्योंकि थोड़ा मीठा सॉफ्ट अच्छा लगता है, तो उसे हम मीठी चीज़ें भी दे रहे हैं, क्योंकि जब आप बीमार होते हैं ना तो मुंह का स्वाद नहीं रहता, तो मीठी चीज़ें और अच्छी ही लगती है, तो उसे वो दे रहे हैं। और फ्रूट्स वो खाने को तैयार नहीं है, कोई भी फ्रूट खाने को तैयार नहीं है, तो जूस दे रहे हैं। और उसको ना पता है आपको बहुत बड़ी प्रॉब्लम है कि उसको जो फ्रेश जूस होता है वो पसंद ही नहीं आता है, वो खाना ही नहीं चाहती है। और अगर मैंने बोल दिया कि ये फ्रेश जूस नहीं है, मतलब ठीक है मैंने बनाया और मैं बोल दी कि ये नहीं है, नहीं मम्मी ये तुमने बनाया है, बचपन से ही उसके साथ ये प्रॉब्लम रही है कि उसने कभी फ्रेश जूस पसंद ही नहीं किया। और KBC स्टार्ट हो गया है पर मैंने कल भी नहीं देखा, आज भी नहीं देखा, आज देखने का मन था पर फिर यार हालात देख कर मैंने लगा छोड़ो, जब एक साथ सब ठीक हो जाएगा तब, क्योंकि यहाँ मुझे अच्छा नहीं लग रहा है अनिका ऐसी हालत में। मतलब सच है उसे बहुत परेशानी नहीं है, सिंपल सा एक फीवर है जो रुक रुक कर आ जा रहा है, और हल्का सा मतलब उसको जुकाम है, इससे ज़्यादा कुछ नहीं है। पर टेंशन उससे ज़्यादा अभी मैं भी लेना चालू कर दी हूँ। मुझे पहले लग रहा था कि कोई नहीं चलो दो दिन में ठीक हो जाएगी, पर उसको परसों फीवर आया था, संडे को फीवर आया था, आपको पता है ना मैं इवेंट से आई तब उसने बताया था फीवर आया था उसको, और आज मंगल है, तो मुझे मतलब वो चीज़ अभी अच्छी नहीं लग रही है, ये दिक्कत हो रही है। मतलब तवा गर्म हो गया, डाल देती हूँ। तो अनिका भी अभी थोड़ा सा उठी है, अभी उसको हमने फिर से एक बार दवाई दी है। आज पता नहीं क्यों खांसी भी कर रही है, आपने देखा सुबह से हल्की खांसी कर रही है। तो मतलब आज उसे 4th day हो गया है, संडे को आफ्टरनून से चालू हुआ था, तो बस ऐसे ही मतलब हम लोग भी टेंशन में ही उसके साथ है। मतलब टेंशन इन द सेंस यार बच्चों को होता है तो पता है ना कितना आपको वो होने लगता है, तो वैसे ही कुछ चल रहा है। और आज बारिश भी हो रही है, 4-5 दिन से बारिश रुक गई थी एकदम, मतलब धूप वगैरह थी, आपको मैंने कल दिखाया अभी, तो आज सुबह से बारिश भी हो रही है। तो बस ये व्लॉग मैं यहीं पर ख़त्म करती, इससे आगे नहीं कंटिन्यू कर पाऊँगी, ठीक है। बाकी आपको जो करना है वो आप करिए, मैं अभी आपको कुछ नहीं बोलने वाली, ठीक है। चलिए बाय, टेक केयर।